तुलसीदास कहते हैं, पंछियों के पीने से नदी का जल घटता नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पंछियों ने पानी पिया हो, नदी सूख गई हो। लोग कहते हो कि चिड़ियों ने पानी पी लिया तो ये नदी सूख गई, वो तो एक बूंद पीती है। ऐसे दान करने से धन घटता नहीं है, दारू पीने से धन घटता, जुआ खेलने से धन घटता है, मार पीट लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी करने से धन घटता है, कले कलेश करने से धन घटता है, राग द्वेष करने से धन घटता, आलस्य करने से धन घटता है, फिजूल खर्ची करने से धन घटता है, लेकिन पुण्य के कार्य में धन लगाने से धन घटता नहीं। वो धन तुमको धन्य बना देता, वो धन तुमको धनवान बना देता है, जो धन तुम्हारा पुण्य में लगता है। तो सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर ज्ञानी शौनक जी, मन लगा करके सुनो, अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। कौन सी कथा? गुरु महिमा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु की महिमा सुनो। कहूँ एक इतिहास पुरानी, मन लगाए सुन मुनिवर ज्ञानी, मन लगाए सुन मुनिवर ज्ञानी। कहूँ एक इतिहास पुरानी, मन लगाए सुन मुनिवर ज्ञानी, मन लगाए सुन मुनिवर ज्ञानी। रहा बधिक एक नीच, करे ठगाही बन विषे, नाम तासुमारी अति निर्दय कपटी कुटिल, नाम तासुमारी अति निर्दय कपटी कुटिल। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक बधिक रहता था, बड़ा नीच स्वभाव का था। हर ग्रुप में नीच और ऊंच होते हैं, नीच और ऊंच, और नीच और ऊंच के बीच में भी होते हैं कुछ मीडियम क्वालिटी। तो नीच का मतलब है जो नीच कर्म करता है, नीच आचरण है, नीच सोच है, निम्न कोटि का खान पान है, निम्न कैटेगरी का रहन सहन है, और निम्न स्तर की उसकी सब बातचीत बतकही सब नीचता भरी हुई है, उसे नीच कहते हैं। जिसके कार्य भी सब नीच कार्य है, और तो नीच क्यों कहा उस बधिक को, क्योंकि करे ठगाही बन विखे, बन के मध्य में जंगल में वो घूमता रहता था बधिक, और ठगोरी करता रहता था, कोई मिल जाए उसको ठग लेता था। ठग भी कई प्रकार के होते हैं, बड़े विचित्र ठग होते हैं। ठगों की भाषा और ठगों की कला बड़ी निराली होती है। हमारे गुरु जी एक ठग की कथा सुनाते हैं कि एक ठग किसी गांव में गया। गुरुजी बताते हैं कि वो चांदी लेकर बेचने गया, चांदी, और गांव में आवाज लगाया, ले ओ कुसुम, ले ओ कुसुम, ले ओ कुसुम। तो एक सेठ ने बुलाया कि इधर आओ यार, आओ, क्या है तुम्हारे पास, कुसुम क्या है? तो उसने अपनी गठरी खोल कर दिखाया कि कुसुम है। तो वो जो सेठ था वो समझ गए तो चांदी है, ये तो बड़ा मूर्ख आदमी लग रहा है, चांदी को कुसुम बता रहा है, अब कुसुम के फूल होते हैं तो इसको तो ज्ञान ही नहीं है, इतना अज्ञानी है। बोले कितने रुपये लोगे, बोल।
बोले जितने दे दो मालिक। बोले 100 रुपये ले लो। बोले 100 रुपये में हम नहीं बेचेंगे, हमारी पत्नी हमको डांटेगी, बहुत मारेगी कि इतना सस्ता बेच कर आ गए। बोले तो 200 ले लो। तो वो अपनी गठरी बांधने लगा, बोलो 200 भी नहीं बेचेंगे। तो बोला लो 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में वो चांदी दे दिया। दूसरे दिन फिर आया, फिर बोला ले ओ लवलोस, ले ओ लवलोस, ले ओ लवलोस, लवलोस ले लो लवलोस। तो फिर वो सेठ बोला अरे तुम यहाँ आओ, तुम हमारे पुराने ग्राहक हो, तुम कहाँ उधर जा रहे हो, आओ इधर, क्या लाए, देखो, दिखाइस, गठरी खोलिस, काला केले में दिखाई भाव। तो अकेले में दिखाई तो उसमें सोने की ईंट थी। अब वो चांदी 4-5 लाख की थी, 1000 में बेच गया था, इतना बड़ी धात में। अब लाई सोने की ईंट और उसको ही अल्लबलूस बताता है। तो जब खोलिस गठरी तो देखी सेठ, तो यही लबलूस है। हाँ यही लबलूस है। कितने में दे हो? ले 2000 रुपया ले लो। वो तो सोने की ईंट 50 लाख की थी, करोड़ों की। तो उसने कहा हम 2000 में नहीं देंगे, हमारी पत्नी बहुत डांटी और हमको मारेगी भी, कितना सस्ता बेच के आएगे तुम लबलूस। तो बोले तो 10000 ले लो, और क्या चाहिए। बोले 10000 हम नहीं देंगे। तो अपनी गठरी बांधने लगा, बोला हम जा रहे हैं, दूसरी जगह बेच देंगे। तो सेठ बोला अरे तुम रखो और बरात कहे जल्दी क्यों, खोलो, चलो लो 1 लाख ले लो। क्योंकि वो 10 लाख की 50 लाख का था ईटा सोने का। तो उसने कहा 1 लाख में नहीं देंगे मालिक। बोले अच्छा 2 लाख ले लो। बोला चलो 2 लाख हम दे देते हैं, हमारी औरत हमको डांटेगी, अब डांट तो सह लेंगे लेकिन अब तुम्हें दे देते हैं, तुम पुराने हमारे सेठ हो। ले लिया। फिर तीसरे दिन वो आया तो गीत गाता था, एक खंजड़ी लेकर बजाता था। ता धिन्ना भाई ता धिन्ना, जान परी भाई वा धिन्ना, लबलोस भजई हो जा धिन्ना, ता धिन्ना भाई ता धिन्ना। ताली बजाकर, खंजड़ी बजाकर वो गाता था। ऐसे गाता हुआ निकल गया। तो सेठ जो था वो लबलोस भुनाने के लिए गया, तो वो सोने की ईंट नकली ईंट थी, उसके ऊपर केवल 10000 का सोने का पानी चढ़ा हुआ था। अब 2 लाख ले गया। सेठ जी बहुत दुखी है। सेठानी ने पूछा क्या हुआ। अरे बोले 10000 की रिया ईंट नहीं है, 2 लाख ले गवा। बोले वो तो आज आवर है, सवेरे गावत रहे कि ता धिन्ना भाई ता धिन्ना, लबलोस भजी हो जा धिन्ना, हो जान परी भाई वाह धिन्ना, हो ता धिन्ना भाई ता धिन्ना। तुम सुनो नहीं, किन्तु सुने तो रहो, किन्तु ध्यान कहाँ दियो, मन लगा के सुनना चाहिए, कहाँ कह रहा है। वही बात, यहाँ ऐसे ठग होते हैं, वो एक बार खुद ठगा जाएंगे, दूसरी बार तुमको ठग लेंगे। तुम सोचोगे ये बैधुल्ला है, बैधुल्ला नहीं है, वो तुम बैधुल्ला हो। आखिर जब तक वो ठगाई नहीं, एक महात्मा जी थे, उनके पास एक भगत आया, तो उसने 10000 रुपये दान किया, गड्डी रख दिया और चला गया। दूसरे दिन फिर आया तो 20000 की गड्डी रख दिया, चला गया। तीसरे दिन आया 50000 की गड्डी रख दिया, दान किया, चला गया। तो महात्मा जी ने उसको बुलाया कि भाई ये कौन है, इतना बड़ा धनी चुप्पी गड्डी रखे को पहुँच के चला जाता।
तो उसको बुलाया और मिले और बोले तुम कौन हो। बोले मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और आपकी प्रति श्रद्धा है इसलिए दान कर रहा हूँ। बोले बिजनेसमैन है आप? बोले हाँ, आज जल्दी है कल आऊँगा मिल लूँगा आपसे। फिर चला गया, अगले दिन आवा 1,00,000 रुपये दान दीस, गड्डी रख दीस, चला गया। महात्मा खुश, उनके चेला भी खुश। तो उसको फिर बुलवाया, महात्मा जी ने पूछा इतना कौन बिजनेस करते जो इतना बड़ा दान कर रहे हो भाई? बोले हमारे कई बिजनेस हैं और तो कई लोगों का उसमें धन भी इन्वेस्ट होता है, उनको भी प्रॉफिट मिल जाता है, हम बहुत बड़ा धंधा है। तो महात्मा ने कहा कि बहुत अच्छा, ठीक है जाओ। चला गया। 1 हफ्ते बाद फिर आया तो 2,00,000 की गड्डी दान दिया। तो महात्मा जी और खुश हुए। तो उसने कहा अगर आप आश्रम का विकास करना चाहते हैं तो कुछ आप भी अपना पैसा हमारे बिजनेस में डाल दें तो महीने में 10,00,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा चलो भाई डलवा देते हैं। तो महात्मा जी ने 50,00,000 उसके बिजनेस में डाल दिया और लेने के बाद दोबारा आया नहीं। 50,00,000 डूब गया महात्मा जी का। दक्षिणम मिला उनका 3-4,00,000। महात्मा जी सोचते रहे ये श्रद्धालु है वो ठग रहे, महात्मा जी को ठग ले गए। विचित्र विचित्र ठग है। इसलिए हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, लालच में भी मत पड़ो। बहुत विचित्र है संसार। एक ठग रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था, किसी महिला का बच्चा रो रहा था, तो बोला कि लाओ बेटी हम बच्चा संभाल ले और तुम अपना खाना पीना कर लो। तो उसने बच्चा दे दिया संभालने के लिए। जब बच्चा वो संभालने लगा, बच्चे को गोद लिया और बच्चे को गोद लेकर के थोड़ी दूर चला गया, तो उस औरत ने आवाज लगाई, ओ भैया बच्चा दूर न ले जाओ, यहाँ बच्चा ले आओ। वो मुड़ के देखिस और फिर आगे चलता चला गया। फिर वो चिल्लाइस, फिर मुड़ के देखिस, फिर चलता चला गया। तो सौरत ने समझा ये तो हमारा बच्चे ले गया। तो फिर वो दौड़ी रपटाइस, तो भागा लेके बच्चा के। तो ये औरत भागी उसके पीछे, तो इधर पीछे जो गठरी और झोरा थैला धरा था, दूसर चोर आया ठग, वो झोरा थैला लेकर भागा। तो जब वो झोरा थैला लेकर भागा तो पहला ठग जो था वो बच्चा हुए डाल देस, वह भागा। तो ये बच्चा को उठाए जब लाइस, देखे यहाँ झोरा थैला कुछ नहीं, बच्चा मिल गया। तो कहे चलो बच्चा मिल गया, झोरा गवा कोई बात नहीं, जो उन पैसा सामान रहे। वो दोनों ठग मिले भी रहे, दोनों जाए बंटवारा के लिए बात खत्म हो गई। तो ये ठगों की कहानी बड़ी विचित्र है। ऐसा ठग था ये, बधिक और नीच था, छोटी छोटी झिड़ियों को भी फंसा कर मारता था, इसलिए उसको नीच कहते हैं। रहा बधिक एक नीच, करे ठगाही बन विषे, नाम तासुमारीच अति निर्दय कपटी कुटिल। और उसका नाम मारीच था, उस बहेलिया का। क्या नाम था? मारीच। वो रावण का मामा मारीच वो अलग था, ये मारीच अलग है। अति निर्दय था, हजारों चिड़ियों को फंसा कर बेच लेता था, मार डालता था, पका कर खा जाता था, पक्कन डक्कन नोच डालता था, ये सब कुक्रम में लगा हुआ था। नाम ताशुमारीच अति निर्दय कपटी कुटिल। बहुत कपटी था। कितने लोग कपटी होते हैं, कपट कैसे करते हैं? तुमसे प्रेम भी बहुत करेंगे, विश्वास भी जताएंगे और मन में कपट रखेंगे। जब दांव मिलेगा
तो तुम्हें दूसरे से लड़ाई करवा देंगे, तुम्हारा सामान चुरा लेंगे, तुमको दूसरे झगड़े में फंसा देंगे और तुम्हारे मुंह पर मीठा मीठा बोलेंगे। तुम सोचोगे हमारा हित ऐसी है और सबसे बड़ा दुश्मन नष्ट करने वाला यही कपटी है। कपटी से बचना बहुत कठिन होता है क्योंकि कपटी को तुम जान नहीं पाओगे और जान ही जाओ तो कपटी कैसा। कपट का मतलब होता है, पट माने पर्दा होता है, पट माने दरवाजा होता है, पट माने वस्त्र भी होता है, पट माने आण करने वाला चीज। तो कपट वो काला पर्दा जिससे वो अपने आप के करतूतों को आण करता है, छिपाता है, उसको कपटी कहते हैं। तो कपटी लोग जो होते हैं, अगर घर में एक भी कपटी है तो ये समझ लो पूरे घर को तबाह कर देगा। तुम्हारे आश्रम में एक भी कपटी साधु आ जाए, कपटी तुमसे मीठा मीठा बोलेगा, अरे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ठीक है। फिर दूसरे साधु से जाई बोली, अरे तू बहुत बेकार आदमी है, तुम्हारी बुराई कर रहा है। फिर तुम्हारे पास आई, रिकॉर्डिंग करके लाई, देखो तुम्हारे बारे में बुराई करी से, लड़ाई लगवा देगा। और दो जब लड़ेंगे तो उस समय वो शौचालय में डोल डाल चला जाएगा, तुम लड़ा करो, और फिर चुप्पे बैठ रही मुंह बनाई। तुम सोचोगे बड़ा सीधा बीधा, सीधा बीधा नहीं है, अजगर सांप है ये, जिसको लिपटी ये कपटी उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। ऐसे कपटी